बिन रशीद अल मक्तूम, अबू धाबी के युवराज तथा यूएई के सशस्त्र सेनाओं के उप सर्वोच्च कमांडर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, राज परिवारों के सम्मानीय सदस्यगण, फ्रेंड फ्रॉम द मीडिया, देवियों और सज्जनों, नमस्कार, गुड डे। आपने बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के इस छठे संस्करण में। मुझे मुख्य अतिथि का और भारत को सम्माननीय अतिथि देश का सम्मान दिया, यह मेरे लिए ही नहीं भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए गर्व और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में पहले भी कई बार मैं खाड़ी क्षेत्र की यात्रा कर चुका हूं। 2015 के बाद मैं दूसरी बार यूएई आया हूं। जब भी यहां आता हूं मुझे एक खास अपनापन महसूस होता है। करीब 12 लाख अप्रवासी भारतीयों को दुबई में उनके घर से दूर एक घर मिला है और यूएई में 33 लाख अप्रवासी भारतीयों को अपनापन मिला है। इसके लिए भारत यूएई और दुबई का कृतज्ञ है, आपका कृतज्ञ है। मैं आपको और सभी दुबई वासियों को, अमीरातियों को, भारतवासियों की ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, विकास के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दुबई अपने आप में एक बेमिसाल है। यहां रेगिस्तान की रेत को सुनहरी समृद्धि में बदला गया है, एक मिरेकल और चमत्कार को साकार किया है। आज के दुबई में आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचते वैभव के पीछे और भविष्य की कल्पना के पीछे एक विजन है और संकल्प भी है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्राइज है। इसकी झलक मैंने कुछ देर पहले म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में भी देखी। यूएई ने टेक्नोलॉजी में सफल प्रयोगों को लैब तक सीमित नहीं रहने दिया है, उसका जीवन में उपयोग हो, इसका जीता जागता उदाहरण मुझे मजदार में देखने को मिला। दुबई फ्यूचर एक्सेलेटर द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रशासन के क्षेत्रों में इंक्यूबेशन और ऐसे अनेक प्रयास भविष्य का पूर्वानुमान करते हैं। इन प्रयासों की ऊर्जा, उनके डायनेमिज्म के बारे में केवल सुनने से व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, लेकिन रूबरू देखने से एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। यह सब देखते हुए उचित ही है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित होता है और टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट विषय पर यह विशिष्ट समागम इस समिट के अंतर्गत हो रहा है। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर मानव की यात्रा में विकास के हर छोटे बड़े मुकाम पर टेक्नोलॉजी की छाप है। लगभग 200 साल पहले विश्व की लगभग 1 बिलियन आबादी का 94% हिस्सा गरीबी में रहता था। आज हालांकि विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन यानी 7 गुने से भी ज्यादा है, लेकिन इस आबादी का
करीब 9.5% ही गरीबी में है। 200 साल पहले हमारी औसत उम्र 30 साल से भी कम थी, अब यह 70 वर्ष यानी 2.25 गुना से भी ज्यादा है। पिछले मात्र 25 वर्षों में भारत में माताओं की मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी घटकर 1/3 हो गई है और दुनिया भर में लगभग आधी स्टेम सेल्स और रीजनरेशन टेक्निक जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने कठिन बीमारियों के इलाज का ही नहीं बल्कि अंग भंग के भी उपचार का रास्ता दिखाया है। मौसम के पूर्वानुमान से किसान अपनी फसल बचा और बढ़ा सकता है। लाखों करोड़ों को डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए बचाया जा सकता है। हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें भूकंप जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान भी संभव कराएं। संक्षेप में, टेक्नोलॉजी ने मानव के अस्तित्व को ही प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक ऊंचे धरातल पर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विकास का एक पहलू यह भी है कि पाषाण युग से औद्योगिक क्रांति के सफर में हजारों लाखों साल गुजर गए। उसके बाद संचार क्रांति तक सिर्फ 200 वर्षों का समय लगा और वहां से डिजिटल क्रांति तक का फासला कुछ ही सालों में तय हो गया। अब टेक्नोलॉजी विचार की गति से बदल रही है, यानी एट द स्पीड ऑफ थॉट। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी नहीं रही, आविष्कार आवश्यकताओं को जन्म दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव चेंज का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की सुलभता और उसके प्रसार ने आम आदमी का सशक्तिकरण किया है और इस एम्पावरमेंट को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से और उस राह को एक बढ़ावा मिला है। ई गवर्नेंस का ई फर्स्ट लेटर ई दरअसल इफेक्टिव एफिशिएंट इजी एम्पावर और इक्विटेबल का पहला अक्षर है। फ्रेंड्स, 2000 वर्ष से भी पहले भारत के एक महान चिंतक और स्ट्रेटेजिस्ट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी। अन्य विषयों के अलावा उन्होंने प्रशासन की जिम्मेदारी बताई और उन्होंने कहा, राज्यो ही व्रतम उत्थानम, यानी सरकार को शासक को विकास के लिए व्रत लेना चाहिए। मेरे विचार से सरकार की एक बड़ी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग जन जन के विकास के लिए हो और इससे नागरिक सुविधाओं में गति और सुलभता आए। मेरा यह भी मानना है कि टेक्नोलॉजी में प्रगति से उत्पन्न परिवर्तनों और चुनौतियों के प्रति भी सरकारों को सजग रहना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी का उपयोग रचनात्मक बना रहे। टेक्नोलॉजी वो तोहफा है जिसके यूजर मैनुअल में नैतिक मूल्यों का जिक्र नहीं होता है, इसलिए मनुष्य प्रगति के साजो सामान को
कभी कभी विनाश और विध्वंस का साधन बना लेता है। साइबर स्पेस का रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग का उदाहरण है। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर धन, समय और संसाधन का बड़ा हिस्सा मिसाइलों और बमों की क्षमता बढ़ाने में लग रहा है। हमें सचेत रहना होगा कि हम टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाएं, विनाश का कतई नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य की नैसर्गिक सामर्थ्य को बढ़ाए, उसे घटाए नहीं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे लगता है कि मानव टेक्नोलॉजी को प्रकृति के पर विजय का ही नहीं, उससे संघर्ष का साधन बनाने की भूल कर रहा है। इसकी कीमत बहुत भारी है। मानवता के भविष्य के लिए हमें प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सहजीवन का रास्ता चाहिए। भारत ने योग जैसी समग्र और संतुलित जीवन पद्धति से स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ सहजीवन का रास्ता दिखाया है। आज के समय में इस रास्ते पर 6 महत्वपूर्ण कदम है। 6 R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर, ये कदम हमें जिस मंजिल तक पहुंचाएंगे वह होगी रिजॉइस यानी आनंद। फ्रेंड्स, मनुष्य के अस्तित्व का असल उद्देश्य सिर्फ समृद्धि नहीं है, बल्कि संतोष और आनंद की प्राप्ति है। भारत में पुरातन काल से मान्यता है, संतोषः परम धनम, यानी संतोष सर्वोच्च संपत्ति है। समग्रता, संतुलन और संतोष आनंद के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। योर हाइनेस, आपने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस और मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूचर का गठन करने में मनुष्य के अस्तित्व के असल आंतरिक उद्देश्य को एकदम सही पहचाना है। फ्रेंड्स, भारत में हजारों साल पहले सिर्फ दर्शन शास्त्र के ही नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे गए। चाहे वह शून्य की परिकल्पना हो या पाई की गणना, दशमलव प्रणाली हो या अरेबिक न्यूमरल्स की उत्पत्ति, मेटलर्जी हो या डायमेंशनल रेखागणित हो, भट्टे वाली ईंटें हो या विश्व स्तरीय जहाजों का निर्माण हो, ये उपलब्धियां और आर्यभट्ट, पिंगल, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, चरक जैसे गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के कितने ही योगदान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सबके विकास के लिए उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आज के भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, उनके ऊपर विजय केवल सबके विकास से ही संभव है। इसलिए मेरी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। इस लक्ष्य के लिए
टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम समावेशी विकास, प्रशासन में पारदर्शिता, सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और सामान्य नागरिकों की नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ रहे हैं। हर भारतीय को एक बायोमेट्रिक लिंक और यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने का आधार कार्यक्रम दुनिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी को बैंक खातों और उपभोक्ताओं के मोबाइल से जोड़कर 400 से अधिक सरकारी योजनाओं के बेनिफिट को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे 56,000 करोड़ रुपए यानी कि 8 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का दुरुपयोग रोकना संभव हो सका है। भारत में डिजिटल पेमेंट और लेस कैश का रिवॉल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पूरे भारत में एक कर व्यवस्था यानी जीएसटी संभव हो सकी है। गवर्नमेंट ई मार्केट जेम जीईएम की पहल से छोटे से छोटा व्यापारी सरकार को अपना सामान बेच सकता है। इसे शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है और अब तक लगभग 4,500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस जेम के माध्यम से हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया द्वारा हम भारत में इनोवेशन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत एक प्रमुख स्टार्टअप नेशन बन गया है। हैकेथॉन्स में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने नए और सफल प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया है। भारत की जनसंख्या का 65% से भी अधिक हिस्सा 35 वर्ष से भी कम उम्र का है। उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देकर और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों से हम न्यू इंडिया के सपने को साकार करना चाहते हैं। सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के हमारे लक्ष्य के मद्देनजर टेक्नोलॉजी के प्रयोग के 2 उदाहरण देना चाहूंगा। पहला, सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को मिट्टी के बारे में, उसकी सेहत के बारे में जानकारी, और दूसरा, कृषि मंडियों का पोर्टल जिससे 36,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। आशा वर्कर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को टैप्स और ट्रेनिंग दी जा रही है। वैक्सीनेशन का पूरा डेटा गांव, शहर, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम और रियल टाइम इंफॉर्मेशन का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। इससे उन कर्मचारियों का वैक्सीन शेड्यूल के अनुसार अलर्ट मिल जाता है और वैक्सीन मिस नहीं होता। दूसरा, बहुत ही सस्ते में उपलब्ध रोटा वायरस वैक्सीन का निर्माण यह डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन में सूर्य का सारी सृष्टि में केंद्रीय महत्व है। सूर्य आत्मा जगस्थच अर्थात द सन इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड। हमने सन 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा समेत 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य रखा है। पिछले 3 वर्षों में हम 62 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल से भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर ऐसा प्रयास शुरू किया है जिससे सौर ऊर्जा का लाभ कम साधन संपन्न देशों को भी
मिल सके। केवल सरकार द्वारा 28 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण से पिछले 3 साल में न सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है बल्कि 7.5 गीगावाट बिजली भी बची है। यही नहीं, 30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा हुई है। मुझे लगता है कि अगली टेक्नोलॉजी क्रांति सोलर एनर्जी के स्टोरेज से जुड़ी होगी। संतुलित और सस्टेनेबल विकास के लिए इस प्रकार के स्टोरेज के महत्व को देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, पिछले महीने भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम ने सेंचुरी बनाई है। स्पेस के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की लागत दुनिया के मुकाबले कई गुना कम है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन हॉलीवुड फिल्म की औसत कीमत से भी कम में कामयाब हुआ है। अगर टैक्सी करके आप अपने शहर में ही घूमते हैं तो प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया 10 रुपये से ज्यादा होगा, 10 रुपये से कम खर्चा नहीं होगा। पर मार्स मिशन की लागत प्रति किलोमीटर सिर्फ 7 रुपये की रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से मछलियों का कैच 2 से 5 गुना तक बढ़ा है और इसमें लगने वाले समय में भी 30 से 70% तक की कमी आई है। सरकार की प्रमुख रोजगार योजनाओं से बने 2 करोड़ से भी अधिक सामुदायिक एसेट्स की जियो टैगिंग से सारी जरूरी जानकारी इकट्ठी हो रही है। सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा सभी मंत्रालय अपने रिसोर्सेज की मैपिंग कर रहे हैं। इसमें हमें ग्राउंड लेवल पर जरूरतों की जानकारी मिलती है और उसके अनुसार हम योजना और प्रोजेक्ट बना पाते हैं। फ्रेंड्स, देश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे डेवलपमेंटल कार्यक्रम की मैं खुद हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समीक्षा करता हूं। इसमें सभी संबंधित राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय जुड़ते हैं। इस समीक्षा का नाम है प्रगति, जिसका अर्थ होता है प्रोग्रेस। 40-40 साल के रुके हुए प्रोजेक्ट पर भी इस मॉनिटरिंग से बहुत ही सकारात्मक असर पैदा हुआ है। फाइलों पर रुके हुए ब्यूरोक्रेटिक मुद्दे बातचीत के जरिए सुलझ जाते हैं और सबका ये एहसास भी रहता है कि प्रोजेक्ट पर निगाह है। हमारे डेवलपमेंटल प्रयासों का लक्ष्य है कि भारत ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मौका तो खो दिया था, पर अब हम टेक्नोलॉजी के कटिंग एज क्षेत्र में एक्सलेंस ही नहीं लीडरशिप को प्राप्त करें। मैन्युफैक्चरिंग और आईटी के अलावा बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, एडवांस जीआईएस आदि पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही एडवांस एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स पर भी हम काफी जोर लगा रहे हैं, हमारा प्रयास है। इन क्षेत्रों में उपलब्धियां यह सुनिश्चित करेगी कि 125 करोड़ भारतीयों का यानी मानवता के 1/6 हिस्से का समग्र विकास पूरे विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करें। फ्रेंड्स, वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, यह भारत का दर्शन रहा है। सबका साथ सबका विकास हम अपने विदेश सहयोग पर भी लागू करते हैं। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के अंतर्गत
160 से अधिक देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग हो या विकासशील और अल्प विकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, भारत यह सहयोग उनकी जरूरतों के अनुसार करता है। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के लाभ अफ्रीकी देशों में दूर दराज क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं। सौर ऊर्जा के अनुभव को साझा करने से भारत में प्रशिक्षित अफ्रीकी सोलर मामाज के द्वारा अफ्रीका में घर रोशन हुए हैं। पिछले साल भारत ने साउथ एशिया उपग्रह छोड़ा, इससे हमारी अंतरिक्ष क्षमताओं के सुपरिणाम हमारे पड़ोसी देशों को उपहार स्वरूप उपलब्ध होंगे। फ्रेंड्स, हम इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट संसार में जी रहे हैं। बहुत हद तक हमारी समस्याएं अविभाज्य हैं और उनके समाधान भी। यह तय है कि आने वाले दशकों में विश्व के सामने जो समस्याएं आएगी उनका हम मिलकर निकालना होगा और इसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रहेगी। यह भी तय है कि अगर 21वीं सदी एशिया की शताब्दी होनी है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जैसे मंचों पर अनुभवों को बांटना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपसी सहयोग से दो तीन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सबके विकास के लिए काम करने के रास्ते खोजें तो हमारा संवाद और भी सार्थक हो जाएगा। और मेरी दृष्टि से एक क्षेत्र है लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए शिक्षा क्रांति, जिसे दूर दराज के इलाकों में गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त सके। दूसरा, सौर ऊर्जा के प्रयोग और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का विकास। और तीसरा, प्रकृति के प्रति समग्र, संतुलित और सहजीवन का नजरिया। और चौथी बात, योग जैसी पद्धति से जीवन में संतुलन और शांति का आह्वान। फ्रेंड्स, मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं कि आइए हम मिलकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शासन को मानव के सुनहरे भविष्य से और भी नजदीक से जोड़े। आइए हम एकजुट होकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सदियों से चले आ रहे विपन्नता और शोषण को खत्म करने के लिए करें। आइए हम तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, हजारों साल पुरानी इस भारतीय प्रार्थना के आदर्श को प्राप्त करें। मुझे आशा है कि इस उद्देश्य के संदर्भ में समिट में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रशासन और विश्व के भविष्य पर विस्तृत, गहन और उपयोगी चर्चा होगी। आपसे संवाद का यह अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुक्रन, जजलन, नमस्कार।